सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में अनामिका। देखिए, अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव से नाराज चल रहे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जो हैं, वो काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन अब ये सारा का सारा विवाद जो है वो थमता नजर आ रहा है। जी हाँ, बता दें कि सब चीज़ों पर पैचअप हो गया, यानी कि जो विवाद है वो थम गया है। आपको बता दें कि अतुल प्रसाद और मदन सहनी के बीच जो विवाद चल रहा था, मंगलवार को मदन सहनी की मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम आवास पर हुई, और इस मुलाकात में काफ़ी जो चीज़ें थीं वो शॉर्ट आउट हो गई, यानी कि काफ़ी समस्याएं जो थी उसका समाधान हो गया। आपको बता दें कि करीब 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास पर यानी कि सीएम हाउस में मदन सहनी की जो मुलाकात है, जो बातचीत है, वो होती रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। मदन सहनी ने कहा कि वो जल्द ही, अब जो है वो सारा मामला जो है वो शांत हो गया है और वो जल्द ही विभाग का कार्यभार जो है वो संभालेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और उनकी जो नाराज़गी है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के है। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे की चिट्ठी भी वो अपने साथ ले गए थे सीएम आवास पर, और उसके थोड़ी ही देर बाद समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद भी मुख्यमंत्री आवास पहुँचे। माना जा रहा है कि मंत्री की शिकायत के बाद अतुल प्रसाद से उनका पक्ष जानने के लिए बुलाया गया था, यानी कि दोनों के दोनों जो थे वो एक साथ मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद थे और दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। दरभंगा के बहादुरपुर से जेडीयू विधायक और मंत्री मदन सहनी इसके बाद सीएम आवास यानी कि एक अणे मार के पिछले दरवाजे से निकल गए, वो भी छिप छिपा कर ताकि मीडिया को भनक ना लगे। मंत्री मदन सहनी को उसकी सीएम से मुलाकात पर टिप्पणी के लिए उन्हें फ़ोन भी किया गया, लेकिन वो बंद था। तो अंदर खाने में जो चर्चा हो रही है उस पर अगर भरोसा करें तो कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार और समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव के सामने मंत्री मदन सहनी की सारी की सारी जो हेकड़ी है वो गुम हो गई, क्योंकि इस्तीफे देने की बात तक सामने आ गई थी। वो इस्तीफा तक देने जा रहे थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात उस वक्त नहीं हो पाई थी क्योंकि नीतीश कुमार को कहीं बाहर जाना था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वापस लौटे तो उनकी मुलाकात, मंत्री मदन सहनी से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि अतुल प्रसाद भी साथ में रहे और दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि अब सहनी ने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पर पूरा यकीन है और उनके मन में अब कोई भी बात नहीं है, यानी कि अब वो कोई भी इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि जल्द से जल्द विभाग का जो कार्यभार है उसको संभाल लेंगे। गौरतलब है कि अपने विभाग में स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर के सहनी ने विभागीय अधिकारी अतुल प्रसाद पर सवाल खड़ा किया था। सहनी ने कहा था कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो इस मामले को लेकर के तत्काल इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात का वक्त मांगा था, उस समय नहीं मिल पाए थे। उसके बाद मुलाकात जब हो गई तो ये सारा का सारा मामला जो है वो निपटता हुआ दिख रहा है। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है, मदन सहनी का अधिकारियों से पहले भी विवाद हुआ है। पिछली सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए भी अधिकारी से उनकी ठन गई थी, यानी कि कुछ ना कुछ मैटर उस समय में फंस गया था। तत्कालीन सचिव पंकज कुमार से काफ़ी दिनों तक विवाद चला था, लेकिन आखिरकार मदन सहनी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया था जिसमें उन्होंने पंकज कुमार पर भ्रष्टाचारों के आरोप लगाए थे। बाद में नीतीश कुमार ने सचिव पंकज कुमार को हटा दिया था, लेकिन इस बार तो मदन सहनी दो दो पावरफुल अधिकारियों से टकरा गए। जी हाँ, जिसमें अतुल प्रसाद और चंचल कुमार शामिल है। माना जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के मंत्री मदन सहनी और प्रधान सचिव के बीच विवाद हुआ था, लेकिन अब जो है वो सब कुछ, कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आ, ये कहावत है और बाकी तो आप अच्छी तरीके से समझ ही सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।